फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के द्वारा थाना एचटीओ अंतर्गत गुमशुदा बच्चों को उनके माता पिता को ढूंढ कर किया सुपुर्द। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के द्वारा जिला फिरोजाबाद में सीडब्ल्यूसी बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों टीम की बड़ी सफलता। कई वर्षों से बाल संरक्षण गृह में अनिरुद्ध चार बच्चों को उनके माता पिता को ढूंढ कर किया सुपुर्द। बच्चों के माता पिता ने नम आंखों से पुलिस का किया आभार प्रकट। यह अभियान प्रभारी भानु प्रताप सिंह ने पुलिस टीम व बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रदेशों के चार बच्चों के माता पिता को खोज कर उनके सकुशल बच्चों को किया सुपुर्द। जन्मे बच्चों के नाम को जिस प्रकार से हैं, अनमोल उम्र 13 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय हरिपाल सिंह निवासी थाना सिरोली कला जिला एटा। विराट उम्र करीब 10 वर्ष, पुत्र रवि सिसोदिया निवासी थाना घोड़ा जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश। बाल कृष्णा ओम प्रकाश वर्ष, पुत्र रामचंद्र निवासी बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा। दीपक उम्र 13 वर्ष, पुत्र विष्णु गुप्ता निवासी सेक्टर नंबर 4 निकट दुर्गा मंदिर फरीदाबाद हरियाणा। इन चारों बच्चों को सकुशल ढूंढ कर टीम के द्वारा उनके माता पिता को खोज कर उनके सुपुर्द किया गया। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। जैसा कि हमारा सर जी हमारा तक पहुँचे हैं, हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, मगर सर जी पहुँच के हमारा बच्चे का हमारा साथ जिम्मा लगा दिया है। धन्यवाद। आपको आपके मम्मी पापा से मिलाया गया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, बहुत अच्छा। हेलो, अभी साहब के पास है। जनपद में एडीजी महोदय के निर्देशानुसार गुमशुदा बच्चों पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एएचटीयू जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उसकी कई टीमें बनाई गई हैं जो विभिन्न जनपदों में जा रही हैं। दिल्ली, मुंबई, आगरा, कोलकाता, सभी जगहों पर टीमें हमारी गई हैं और उस क्रम में अब बच्चों का मिलना, जो बिछड़े हुए बच्चे हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जो कहीं सुधार गृह में हैं और जो अपने परिजनों से बिछड़े हुए हैं, उनको मिलवाने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। इसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। उस क्रम में आज 4 बच्चे जो हैं वो मिले हैं। ये बच्चे जो हैं वो जनपद एटा का एक बच्चा है जो कि 13 साल का है और इसको ढूंढ के लाया गया। इसके अलावा दूसरा बच्चा जो है जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश का है जो 10 वर्ष का है और इसको भी इसके माता पिता को सपोर्ट किया गया है। तीसरा बच्चा वल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा का है जो 1 वर्ष से गायब था, उसको भी ढूंढ कर उसको सपोर्ट किया गया है। और चौथा बच्चा जो है वो फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला है और ये 3 वर्ष से गायब था, इसको भी 13 वर्ष के बच्चे को ढूंढ के किया गया है। तो कुल मिला के 4 बच्चों की आज कार्रवाई है। ये कार्रवाई प्रतिदिन चलती रहेगी और इसको प्रतिदिन जो है टोटल संख्या को भी अपडेट किया जाएगा और इस तरीके से लगभग 200 बच्चों का टारगेट दिया गया है कि टीम इसमें 200 बच्चों को मिलाने का कार्य करेगी।